क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष बाबू यादव है। सुभाष जी, क्या दिक्कत है आपको? गन्ने की दिक्कत है हमारे यहाँ सेंटर पे। अर्ली और रिजेक्ट उसकी सामान्य की पर्चियाँ समाप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। गन्ना पड़ गया है, रिजेक्ट रह गया है। रिजेक्ट की पर्चियाँ जो फैक्ट्री वाले नहीं दे रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने सर्वे कर रखा है, उन्हें अब तक दे देनी चाहिए थी पर्ची। अब वो कह रहे हैं कि हम पर्चियाँ नहीं लेंगे, ये गन्ना हम नहीं लेंगे। अगर वो हमें पहले बताते कि गन्ना हम नहीं लेंगे, हमारी वो सर्वे नहीं करते, हम कहीं डालते उसे, जबकि उन्होंने सर्वे कर रखी है, फिर क्यों नहीं लेंगे? तो इस बात में सचिव साहब के पास भी गए दो एक बार, तो उन्हें भी कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई सुन के नहीं देता। तीन चार बार आए, अब आज पांचवी बार हम लोग आए हैं, कोई सुन के नहीं दे रहा है कहीं से कहीं। तीन प्रकार का गन्ना होता है, अर्ली, सामान्य और रिजेक्ट। दो प्रकार का गन्ना ले लिया मिल ने, सामान्य और अर्ली का। रिजेक्ट प्रजाति का जो गन्ना है वो मिल वाले लेना नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। क्यों नहीं ले रहे हैं? वो पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लेंगे नहीं गन्ने। क्या ऐसा कोई कानून है? कानून तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तीनों जो है गन्ने का रेट अर्ली और सामान्य और रिजेक्ट का फिक्स किया हुआ है। अलग अलग रेट है तीनों के, लेकिन हम लोग ये गन्ना जो है कम रेट में भी है, फिर भी लेना नहीं चाह रहे। तो आज शिकायत लेके आप किसके पास आए? हम शिकायत सोसाइटी के पास आए थे लेके, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं है और ना मिलते हैं। कई बार आ चुके, तीन चार बार आ चुके, कभी कोई अधिकारी वहाँ नहीं मिलता। तो आज हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए। अपनी हमारी मांग है कि हम लोगों का गन्ना मिल वाले लें। द्वारकेश फरीदपुर कि हम मर जाएंगे, जलाएंगे और क्या करेंगे? इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर नहीं लेंगे तो जलाएंगे लास्ट में आके। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। पिछले साल डाला है और पिछले साल डाला है और मिल ने सर्वे भी किया है, पर्ची भी लगाई है। क्यों लगाई पर्ची? क्यों किसान को भ्रम में जब सर्वे करी है हमारे, तो नहीं लगा किसान को क्यों भ्रम में रखा? उसकी सर्वे की, उसकी पर्ची लगाई, उसको आश्वासन देते रहे कि आप नहीं लेंगे, अगली तारीख से लेंगे, अगली तारीख से लेंगे, लेकिन क्यों? अच्छा, अब तक किसान अपना कुछ भी करते हैं।